गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, नाउ यू लुक, दिस इज योर पेज नंबर 56 ऑफ योर बुक बी क्रिएटिव. ओके, सो हियर इज, दिस इज द कॉटन वर्क, द स्नोमैन. वी नीड कॉटन्स, ग्लू एंड सीजर. सो फर्स्ट यू टेक सम कॉटन्स लाइक दिस एंड यू, इफ यू वॉन्ट टू पेस्ट इट, सो फर्स्ट यू गिव दिस शेप. इस शेप को आपको पहले देना है. कैसे? ये कॉटन को मैं उसी शेप में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाथ कैसे है. देखो ऐसे, मतलब पूरा ट्रायंगुलर शेप में है. हम देखेंगे ये हुआ या नहीं. ये नहीं हुआ है तो इसको यू स्प्रेड इट लाइक दिस, देन यू फोल्ड इट. देखो मैं उसका शेप दे रही हूँ और साइड से उसका जो आउटलाइन है वो दिखना चाहिए. अगर नहीं दिखा तो आपको उसको शेप में, आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है कि उसी शेप में वो आ जाए. लुक एट दिस, दोनों तरफ से ये हो गया इसका शेप. लेकिन ये जो झाड़ू पकड़ा है ना, उसको हैंडल भी दिख रहा है. सो यो यहाँ से आपको तोड़ना है. देखो ये हो गया यहाँ. अरे ये जो थोड़ा सा है, अब क्या करेंगे, उसको ऐसे थोड़ा सा रोल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ऐसे. तो क्या करना है, इसको हटाओ. Then you give here some glue. ऐसे थोड़ा थोड़ा दे दिया आपने. First you paste the, इसको पेस्ट करना है. ऐसे इसको क्लोज कर देना है, थोड़ा सा क्लोज कर और दबाओ इसे, ठीक है. ये हो गया पेस्ट. देन इसको भी हम लोग उसी शेप में पेस्ट करेंगे. लुक एट दिस, ये रहा. एक उंगली में पेस्ट करो तो दूसरा उंगली में गम नहीं लगना चाहिए. गम अगर लग गया तो आप लगाते लगाते ऊपर निकल आएगा. ठीक हो गया. सो लाइक दिस यू ऑल फिल अप ऑल दिस. आपका जो बुक में है वो कॉटन ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है. सो यू कलेक्ट इट फ्रॉम योर मम्मी, कॉटन्स ले आना मम्मी से और इसको पूरा पैक कर देना, ठीक है. और थर्मोकोल बॉल जो दिया हुआ है, देखो मैंने कैसे दिया है, वैसे इसका फेस में दे देना, ठीक है. ओके, थैंक यू.